दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद, जनरल फिजिशियन। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल विहंगम हेल्थ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सांप का जहर, यदि कोई व्यक्ति सांप का जहर मुंह से खा जाए, मुंह से निकल जाए, तो क्या होगा, इसके परिणाम क्या होंगे। दोस्तों कुछ लोगों ने हमसे सवाल किया है, पूछा है। दोस्तों ऐसा प्राचीन किताबों में, आयुर्वेदों में ऐसा इलाज मिलता है कि पहले ज़माने में एक पद्धति प्रचलित थी, कुछ खास रोगियों को सांप का जहर एक खास विधि द्वारा निकाला जाता था और वो जहर मेडिसिन रूप में प्रयोग करके मरीजों को दिया जाता था। तो दोस्तों ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, कठिन प्रक्रिया है, जो यह प्राचीन काल में देखने को मिलता था, लेकिन अब वो उपलब्ध नहीं। आज उसके जगह पर आज के ज़माने में मेडिसिन आ गए हैं, दवाइयाँ आ गई हैं। कुछ खास रोगों में सांप के जहर का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ खास दवाइयों में सांप के जहर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाइयाँ आती है, ब्लीडिंग रोकने की दवाइयाँ आती हैं, तो कुछ खास दवाइयों में नींद की दवाइयाँ आती है, नशा की दवाइयाँ आती है, कुछ दवाइयों में सांप के जहर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह मेडिसिन के रूप में उसको ट्रांसप्लांट करके दिया जाता है, एक अलग मुद्दा। लेकिन यदि कोई डायरेक्ट सांप का जहर मुंह से खा ले तो क्या होगा। दोस्तों सांप का जहर ब्लड में संपर्क में आने से ही प्रतिक्रिया करता है, ब्लड में थक्का जमा पैदा करता है और ये थक्का धीरे धीरे बढ़ता जाता है, अंततः आदमी की मौत हो जाती है, मौत के नींद में चला जाता है। लेकिन मुँह से निकल जाता है, मुँह से तो दोस्तों आंतों के अंदर ब्लड नहीं होता। यदि आपके मुँह में मसूड़े में यदि पायरिया न हो, आंतों में पेप्टिक अल्सर न हो, आंतों में कोई तरह की मतलब घाव वगैरह न हो, तो यदि सांप का जहर मुंह से निकल लिया जाए तो इंसान की मौत नहीं होगी, ये बात सत्य है। लेकिन यह एक जोखिम भरा काम है, ऐसा आप कतई न करना। आप लोग पूछ रहे हो, अच्छी बात है, बता दिया मैं। बिल्कुल स्वस्थ आदमी जिसको कोई रोग नहीं है, यदि वो सांप का जहर गलत खा भी लिए तो कुछ नहीं होगा, मरेगा नहीं। लेकिन यह एक बहुत ही जोखिम भरा काम है, एक कठिन काम है, बहुत ही दुष्कर काम है। किताबों पढ़ करके किताबी ज्ञान के चक्कर में आप कतई ना पढ़ें, ऐसा गलती में से आप लोग खाने कोशिश मत करना, नहीं तो जोखिम भरा है और जान भी जा सकती है। समझ गए तो आप मेरी बातों को समझ गए। यदि अच्छी लगे वो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।